महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म और टीवी धारावाहिक के शूटिंग से जुड़े कर्मचारियों और कलाकारों के लिए जब से वैक्सीन को अनिवार्य कर दिया है, उसके बाद से ही टीवी कलाकारों और फिल्मी जगत के लोगों ने टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सरकार ने फिल्म की शूटिंग की अनुमति दे दी है। इसी कड़ी में मुंबई की चित्र नगरी, जिसे फिल्म सिटी कहा जाता है, वहां पर सिनेमा जगत से जुड़े कर्मचारियों को शूटिंग सेट पर जाने से पहले दोनों वैक्सीन डोज अनिवार्य की गई है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित एसराज फाउंडेशन द्वारा एलाइड मजदूर के मार्गदर्शन में लगातार 3 दिनों के लिए महाटीकाकरण आयोजन किया गया। इस अभियान को साथी टीकाकरण अभियान का नाम दिया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में यशराज स्टूडियो के प्रांगण में वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लेने के लिए सिनेमा एक्टर और मजदूर वर्ग मौजूद रहे। इस मौके पर फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड एलाइड मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी गंगेश्वर श्रीवास्तव ने कहा कि यहां 3 दिनों तक वैक्सीन ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि कुछ लोग एलाइड यूनियन के नाम पर फर्जी तरीके से लोगों को वैक्सीन लगाने का काम कर रहे हैं, जिसका एलाइड यूनियन द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। फिलहाल इसकी जानकारी पुलिस महकमे को दे दी गई है। यह लगभग 3 महीनों से चल रहा है। हम लोग फेडरेशन के लोग, एलाइड मजदूर यूनियन के लोग और हमारे जो भी फेडरेशन के क्राफ्ट है 32 यूनियन, यश चोपड़ा फाउंडेशन की तरफ से मिल करके हमारे मेंबरों को वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। क्योंकि हमारे मेंबरों को आज तक हमने गवर्नमेंट से भी पत्र लिखा कि हमारे मेंबरों को एक स्पेशलिस्ट टीकाकरण होनी चाहिए, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा सहयोग नहीं दिया। लेकिन हमारे प्रोडक्शन हाउसों ने ये टीकाकरण कर, क्योंकि काम आज हमारे मेंबर को ट्रेन में से जाओ तो वहाँ पे जब तक टीकाकरण है वहाँ पे नहीं एंट्री है, बस पे नहीं एंट्री नहीं है, किसी शूटिंग में एंट्री नहीं है। तो इसलिए हम लोग मिलकर के यह टीकाकरण करवाने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। जब तक हमारे सभी मेंबरों का टीकाकरण नहीं हो जाता है, हम किसी न किसी माध्यम द्वारा उनको टीकाकरण कराने की कोशिश करेंगे। लगभग 6,000 लोगों का, 10,000 लगभग लोगों को एसएच फाउंडेशन से, 6,000 PVR से, 4,000, 10,000 लोगों को लगाया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों को टीकाकरण हो।